कश्मीर में लगातार सुधर रहे हैं हालात। आज घाटी के कई इलाकों में लागू पाबंदियों में दी गई ढील। मोबाइल इंटरनेट सेवा अब भी ठप। पीओके में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बड़ा बयान, कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर होगी बात। आज शाम 4 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का हो सकता है ऐलान। एफडीआई की शर्तों में दी जा सकती है ढील। और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। कराची एयर स्पेस से 3 रूट किए बंद, पाक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जारी किया नोटिस। नमस्कार, बड़ी खबर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी ही खबर के साथ। दरअसल जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। इस मामले पर अनुच्छेद 370 के खिलाफ 14 याचिकाओं पर सुनवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। अब मामले की सुनवाई जो है अक्टूबर में संविधान पीठ करेगी। जम्मू कश्मीर पे सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। बड़ी खबर में जम्मू कश्मीर की खबर, लंबे समय से इस दिन का इंतजार चल रहा था। अनुच्छेद 370 के खिलाफ 14 याचिकाओं पे सुनवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। अब मामले की सुनवाई अक्टूबर में संविधान पीठ करेगी। जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। अनुच्छेद 370 के खिलाफ 14 याचिकाएं दायर की गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भी दिया है। अब मामले की सुनवाई अक्टूबर में संविधान पीठ करेगी। तो जम्मू कश्मीर पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुच्छेद 370 के खिलाफ 14 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अब मामले की सुनवाई अक्टूबर में संविधान पीठ करेगी। जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई है। इस दौरान एक याचिकाकर्ता जो कश्मीर से थे उनको राहत दी गई है और कहा गया है कि वो अपने माता पिता से नहीं मिले तो वो जाकर अपने माता पिता से मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनके लिए ऐसी व्यवस्था कराएगा। साथ ही सीताराम येचुरी को भी कश्मीर जाने की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इश्फाक गौहर जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। इश्फाक सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा अहम दिन था, बड़ी अहम सुनवाई हुई, 14 याचिकाओं पर सुनवाई की गई, और क्या जो छूट दी गई है, राहत की बात दी गई है, उसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2-3 चीजें आज काफी क्लियर की है और उनने कहा है कि देश के अंदर रहने वाला नागरिक कोई भी हो, वो किसी भी देश के हिस्से में जा सकता है और हर एक स्टेट को ये ज़रूरी है कि उसकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। और यही वजह है कि दो आज डायरेक्शंस पास हुई है। एक डायरेक्शन सीताराम येचुरी जी कश्मीर जाना चाहते थे और अपने कामरेड जो उनके पार्टी के काडर हैं उनसे मिलना चाहते थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन आई है कि वो सिर्फ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो विधायक रह चुके हैं वहाँ पर और सीपीआईएम के सीनियर नेता है उनसे जाकर मिल सकते हैं, उनका हालचाल जान सकते हैं। अपने ना व्यूवर्स को हम बताते चले कि 5 तारीख के बाद सीताराम येचुरी लगातार उनके कॉन्टैक्ट में थे, जाना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को डिटेंशन में ले लिया गया था, कस्टडी में ले लिया गया था और यही वजह है कि लगातार सीपीआईएम की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी। इसी तरीके से अनंतनाग के एक लड़के ने जो यहाँ दिल्ली के अंदर पढ़ रहा है उनकी तरफ से ये था कि न तो वो घर बात कर पा रहे हैं और न वो जा पा रहे हैं, इसलिए उनने सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन की रिक्वेस्ट की थी कि स्टेट को ये कहा जाए कि वो उन्हें जाने की इजाज़त दी जाए और उन्हें सुरक्षा कवर दिया जाए। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की है और उन्हें भी जाने की इजाज़त जो है वो दे दी है। और साथ साथ 35 और 370 वाला जो मामला था, जो याचिका थी, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को
जो है वो भेज दिया है और अब लड़ाई जो है वो लड़ेंगे वो लोग जो 35A और 370 के हटाने के खिलाफ थे, अब वो ये लड़ाई लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सबकी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर होगी कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो इसमें क्या कुछ लेगा। इश्फाक जी, एक चीज और समझना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, 7 दिनों में सुनवाई होनी है, तो इस पे क्या ज्यादा जानकारी दे पाएंगे आप? जो संचार का मामला है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेट है, इस पर 7 दिन की नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाले मामले पर भी जो है वो नोटिस है और तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उनकी तरफ से जरूर ये बात कही गई थी जब आप नोटिस सरकार को निकालेंगे तो पाकिस्तान इसको उछालेगा और पाकिस्तान इसको अपने तरीके से पॉलिटिक्स करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए नोटिस जो है वो एज पर लॉ है, आप अपना काम कीजिए, लेकिन नोटिस बिल्कुल इशू हुआ है। ये एक रूटीन प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब कोई याचिका करता जाता है सरकार से, वो कोई चीज़ मांगता है सरकार से, कोई रिलीफ मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है वो सरकार को नोटिस देता है, उस शख्स को नोटिस देता है कि आप आके अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए, अपना एफिडेविट जो है वो फाइल कीजिए। वही प्रोसेस जो है वो इस वाले केस में भी अडॉप्ट किया गया है, नोटिस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार को और उन्हें कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपनी पोजीशन क्लियर करे, पत्रकारों के लिए जो ब्लॉकेड है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड जो है उस पर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे इश्फाक गौहर जुड़े हुए थे, तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे जम्मू कश्मीर से, जहां पर आज जम्मू कश्मीर पे सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। अनुच्छेद 370 के खिलाफ 14 याचिकाएं दायर की गई थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की है और कुछ अहम फैसले भी सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए हैं, जिनमें सीपीआई के सीताराम येचुरी को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन साथ में कहा गया है कि वो वहां पे राजनीति नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो उनके विधायक हैं, उनके दोस्त हैं, उनसे मिलेंगे और उनका हाल चाल पूछेंगे। साथ ही एक कश्मीरी छात्र ने भी याचिका दायर की थी कि वो अपने परिवार से नहीं मिल पाए, बात नहीं हो पाई है, तो उनको भी कश्मीर जाने की और परिवार से मिलने की इजाजत दी गई है। भाई आपको ये भी बता दें कि सितंबर के महीने में, पूरे अक्टूबर के महीने में जो है संविधान पीठ जो है इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। मैं बढ़ते आगे, बात करेंगे फिर से कश्मीर की। कश्मीर में लगातार हालात सुधर रहे हैं और कश्मीर के कई और इलाकों में लागू पाबंदियों में ढील दी गई है। घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा अब भी ठप है, स्कूल खुलने के बाद भी बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं स्कूल और जम्मू में हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। तो बड़ी खबर में घाटी से एक और बड़ी खबर, घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा अब भी ठप है और स्कूल खुलने के बाद भी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, यह भी एक अपने आप में सोचने की बात है। कश्मीर में लगातार हालात सामान्य हो रहे हैं, कश्मीर में लगातार सुधर रहे हैं हालात, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर, कश्मीर में लगातार हालात सुधर रहे हैं, कश्मीर में कई और इलाकों से जो पाबंदियां लगाई गई थी उनको हटा लिया गया है, घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा अब भी ठप रखी गई है, स्कूल खुलने के बाद भी बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, वो परेशानी का कारण है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू से ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विनोद, जानना चाहेंगे, बड़ी अहम खबर है कि स्कूल खुल चुके हैं, हालात सामान्य होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत बड़ा फैसला है, ये आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए। तो आइस स्कूल खुले हैं लेकिन वहां पर आने वाले बच्चों की तादाद कम है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के पेरेंट्स को लगेगा कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, फलां बच्चे का, फलां पेरेंट्स के बच्चे वहां गए, बच्चे गए थे तो वो सुरक्षित वापिस आए, ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग स्कूलों में बचाना शुरू होंगे, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील इशू है। और ये 70 साल यानी 7 दशक के बाद इतना बड़ा फैसला लिया गया, तो इतना सा इंतजार हमें करना पड़ेगा कि इट विल टेक टाइम कि सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। जी, इंटरनेट सेवा भी ठप है, क्या ज्यादा जानकारी है, कब तक इंटरनेट सेवा जो है जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए मिल सकती है, क्योंकि बीच में 2G सेवा शुरू हुई थी फिर उसको बंद कर दिया गया सरकार की तरफ से।
देखिए इंटरनेट सेवा को लेकर के डिपकॉम जम्मू और डिपकॉम श्रीनगर किसी तरह की डिपकॉम कश्मीर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि जैसे ही हालात सामान्य होते हैं, आपको बड़ी चीज बता दूं कि जम्मू में बिल्कुल नॉर्मल हालात है। जम्मू प्रोविंस की अगर बात करें, चाहे पुंछ रजौरी हो या फिर रामबन किश्तवाड़ डोडा हो, वहाँ भी हालात आहिस्ता आहिस्ता सामान्य होते जा रहे हैं। इन पांच डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, कठुआ, सांबा, जम्मू, रियासी, उधमपुर, यहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल सी ऐसे लगता है कि जैसे 4 अगस्त जैसा माहौल हो, क्योंकि 5 अगस्त को ही 370 को लेकर के राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था। तो यहां पर सामान्य है। यहां पर एक प्रयोग किया जा सकता है, जो आपने पहले बताया कि 2G शुरू किया था, लेकिन 2G आउटडेटेड सिस्टम है, वो ज्यादा इस पर ग्रिप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको बंद करना पड़ा। ये कहना है एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन 2G सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। कुछ एहतियातन चीजों को रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, कुछ एहतियातन लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, कुछ चीजें कुछ सर्विसेज को भी एहतियातन बंद किया गया है, क्योंकि मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए ये फैसला लिया गया है। विनोद कुमार जी, एक चीज और समझना चाहूंगा, विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है जम्मू कश्मीर पहुंचने की और सरकार की तरफ से रोका जा रहा है। अगर हालात सामान्य हैं तो मेरा सवाल आपसे यह है, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्यों जो विपक्ष है उसको रोका जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि विपक्ष की आज हार निकल गई है। जैसे यूनाइटेड नेशन में जो लेटर लिखा है पाकिस्तान की तरफ से, उस लेटर में राहुल गांधी को कोट किया गया, उस लेटर में उमर अब्दुल्ला को कोट किया गया, उस लेटर में बीजेपी के नेता भी को कोट किया गया। तो राहुल गांधी एंड पार्टी ने तो यू टर्न बिल्कुल यू टर्न ले लिया है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने ये कहा है कि जो ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि ये इंटरनल अपना मामला, अंतरिम मामला है जो धारा 370 है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब राहुल गांधी को इस चीज का एहसास हो गया। कोर्ट जिन चीजों को, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज सीताराम येचुरी को कहा कि आप जाइए एम वाई तारागामी से मिल के आइए, जो CPIM के नेता हैं, जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं, आप उनसे मिल के आइए, लेकिन ये कंडीशन जरूर उन्होंने रखी है कि वहां पर किसी तरह की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बार बार मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि मामला सेंसिटिव है, इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जो फैसले लिए जा रहे हैं, इस सारे यानी मामले की संवेदनशीलता को देखते ही फैसले लिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद कुमार, ब्यूरो चीफ, जम्मू से जुड़े थे। जम्मू में हालात सामान्य है और नेता जो कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर जाने की, उनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर के हालात ना बिगड़ें, धीरे धीरे वहाँ पे हालात नॉर्मल हो रहे हैं और सरकार भी नहीं चाहती कि वहाँ पर जाके विपक्ष के नेता राजनीति करें, और जो शांति वहाँ पर बनी हुई है, शांति का माहौल बना हुआ है, उसको बिगाड़ा जाए। बढ़ते आगे, बात करेंगे POK की, जहां पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बड़ा बयान सामने आया है। अब पाकिस्तान से POK पर बात होगी। उपराष्ट्रपति ने साफ कर दिया है, पाक आतंक को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। उपराष्ट्रपति ने यह भी बड़ी बात कही है। और एक और बड़ी अहम बात जो उपराष्ट्रपति जी ने कही है, वो कहा है कि हमला करने वालों को भारत छोड़ता नहीं है। तो कश्मीर के लिए जरूरी है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो अब जो चैन की नींद सो रहा था जाग जाए और किसी भी गलत हिमाकत से पहले सोच ले। अबाउट कश्मीर, दिस टू डिस्कस, व्हाट इज देयर टू डिस्कस इन कश्मीर। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। फ्रॉम 1952 onwards, इलेक्शंस आर हेल्ड, चीफ मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड, देयर इज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एट द स्टेट, members of parliament are being elected, and what is there now to discuss? Yes, there is something remains to be discussed. I do agree, the remaining thing to discuss is about with our neighbor is hand over the remaining part of Kashmir to us, that is POK. Jyada jankari ke liye hamare sath hamari sahyogi Sachi Tyagi jud chuki hain, seedha unhi ka rukh karenge. Sachi, janna chahenge, ab to uparashtrapati ne bhi bilkul clear kar diya hai ki bharat ko chhedoge to bharat pakistan ko chhodne wala nahi hai।
यही कारण है कि भारत पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा अंतर देखा जाता है तो वो यही है, भारत में जिस बीच तमाम पक्ष एक साथ हैं और अब तो उपराष्ट्रपति भी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर बात किस चीज को लेकर के करनी है, धारा 370 को हटाना नहीं हटाना भारत का आंतरिक मामला है, इसे हर देश स्वीकार रहा है, अमरीका, फ्रांस, आज तो रूस ने भी अपना समर्थन दे दिया है, फिर लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान इसे स्वीकारने में असमर्थ है, फिर पाकिस्तान के पास अपने मुद्दे इतने विकट हैं कि उन्हें ढकने के लिए अब भारत का सहारा पाकिस्तान को लेना पड़ रहा है, लेकिन वही बात जब उपराष्ट्रपति की कर रहे हैं तो धारा 370 को जब हटाया गया पहली बार जब अमित शाह ने प्रस्ताव को पेश किया था राज्यसभा में, तो उस समय महामहिम उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा में विराजमान थे, चेयरमैन थे, उस समय भी देखा गया कि किस तरीके से समर्थन में वेंकैया नायडू नजर आए और आज भी लगातार कह रहे हैं कि अगर बात होगी, चर्चा होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेकर के होगी, कोई और अन्य मसला रह नहीं जाता है। लेकिन राजेश, इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सरकार हो, विपक्ष हो, आज राहुल गांधी ने भी कहा कि यह आंतरिक मामला है, पूरा देश भारत आज एक साथ है, पाकिस्तान अकेला पड़ गया है, यह स्पष्ट है। बिल्कुल साची, एक चीज समझाना चाहूंगा, उपराष्ट्रपति ने एक बड़ी अहम बात कही है, उन्होंने कहा है कि हमला करने वालों को भारत छोड़ता नहीं है, तो भारत भी देख रहा है कि पाकिस्तान जो है अपनी आर्मी को कहीं ना कहीं डिप्लॉय कर रहा है बॉर्डर पे और हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस लिहाज से क्या हम इस बयान को देख सकते हैं? बिल्कुल ठीक राजेश, इतिहास गवाह है, पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक पीठ पर वार करता आया है, चाहे लाहौर एग्रीमेंट हो, शिमला एग्रीमेंट हो, भले ही कितनी ही बार इन सब के हवाले देकर के पाकिस्तान को समझाने बुझाने की कोशिश की हो, समझ में पाकिस्तान को नहीं आता है, इसलिए वो अपने देश में आतंकवाद को जगह देता है, उन्हें पना देता है, उन्हें तैयार करता है ताकि समय समय पर भारत में हिंसा फैलाई जा सके, यहाँ पर अशांति फैलाई जा सके, लेकिन जब से पुलवामा हमला हुआ है उस दिन के बाद से आज तक, बल्कि पुलवामा नहीं, उड़ी अटैक के बाद से लगातार देख रहे हैं सरकार किस तरीके से अग्रसर है और ठान करके बैठी है कि बिल्कुल साची, ये नया हिंदुस्तान है और नए तरीके से जवाब देना जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए। तो उपराष्ट्रपति ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भारत को छेड़ोगे तो बचोगे आप भी नहीं। बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आज शाम 4 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है, विदेशी निवेश की शर्तों में ढील देने की संभावना बनी हुई है, बैठक में चीनी के निर्यात पर चर्चा भी संभव है। तो बड़ी खबर में एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक हो सकती है, बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है, विदेशी निवेश की शर्तों में ढील देने की संभावना है, बैठक में चीनी के निर्यात पर चर्चा संभव है। तो आज शाम 4 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है। दरअसल सरकार ने जब वहां से धारा 370 हटाई थी तो सरकार ने साफ कर दिया था कि अब कश्मीर में विकास की लहर दौड़ेगी, कश्मीर का वो विकास होगा जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है, और इसी के तहत आज कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में कश्मीर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक पैकेज दिया जा सकता है जिसकी घोषणा हो सकती है, ताकि वहां पर उद्योग हो, रोजगार हो और जो युवा हैं उनको रोजगार मिले और विदेशी निवेश की जो शर्तें हैं उनमें भी ढील दी जा सकती है, ताकि विदेशी कंपनियां आए जम्मू कश्मीर में, अपनी कंपनियां, फैक्ट्रियां, उद्योग लगाएं और जो स्थानीय नौजवान हैं उनको वहां पर रोजगार मिले। तो बैठक में चीनी के निर्यात पर भी चर्चा संभव है। बड़ी खबर, आज शाम 4 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है, बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है, विदेशी निवेश की शर्तों में ढील देने की संभावना है। तो आज शाम 4 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है। दरअसल जब धारा 370 हटाई गई थी तो केंद्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अब कश्मीर में विकास किया जाएगा, युवाओं को, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, उनके लिए रोजगार लाए जाएंगे, बाहर से फैक्ट्रियां आएंगी
वो वहां पर उद्योग स्थापित करेंगी और जो युवा भटके हैं उनको रोजगार मिलेगा ताकि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें। इसी के तहत आज एक बड़ा फैसला हो सकता है और आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है। साथ ही बड़ी बात यह है कि विदेशी निवेश की जो शर्तें हैं उन शर्तों में भी ढील दी जा सकती है ताकि विदेशी जो कंपनियां हैं वो जम्मू कश्मीर का रुख करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल भार्गव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। राहुल भार्गव, शाम को 4 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है और जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसमें ये बात आ रही है कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक विशेष पैकेज से राहत दी जा सकती है, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं इस कैबिनेट की बैठक से आप? जी राजेश, जिस तरह बताया गया कि आज करीब शाम 4:30 से 4 बजे के बीच में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब इस जो कैबिनेट मीटिंग होगी इसमें 2 प्रमुख मुद्दे रहेंगे। पहला मुद्दा खासतौर पर जम्मू कश्मीर का रहेगा कि जम्मू कश्मीर को आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, एक मदद के तौर पर दिया जाएगा। अब वो पैकेज कितना होता है और किन किन सेक्टर्स में वो दिया जाता है वो देखने की बात है। आपको बता दूँ कि इसका कल जिस तरह गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, मीटिंग में कई डिपार्टमेंट्स के, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, रूरल डिपार्टमेंट्स के अधिकारी मौजूद थे और अजय कुमार बल्ला जो कि यूनियन होम सेक्रेटरी है वो भी वहां पर मौजूद थे। इनपुट्स लगातार सरकार को मिल रहे हैं और जिस तरह 370 आर्टिकल हटाया गया, 35 से हटाया गया और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, उससे जम्मू कश्मीर की, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज बेहद कम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेहद कम है। जम्मू कश्मीर के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनको हर माह एक कटोरा लेकर, एक बाउल लेकर केंद्र के पास जाना पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर की आय का साधन जनरली केंद्र ही रहता है और ऐसे में केंद्र ने जब रीऑर्गेनाइज जम्मू कश्मीर को किया है तो जाहिर तौर पर आर्थिक पैकेज केंद्र को देना होगा। अब वो कितना आर्थिक पैकेज होगा, कितना मदद होगा? राहुल, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जब धारा 370 वहां से हटाई गई थी तो सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अब कश्मीर में विकास की लहर दौड़ेगी और आज ये भी कहा जा रहा है कि विदेशी निवेश में जो शर्तें हैं उसमें ढील दी जा सकती है ताकि वहां पर विदेशी कंपनियां उद्योग लगाएं और अगर वहां पर विदेशी कंपनियां आती हैं, उद्योग लगाती हैं तो साफ तौर पे है कि रोजगार मिलेगा और जो युवा भटक रहे हैं उनको एक रोजगार मिलेगा, एक आगे जिंदगी में बढ़ने का एक अवसर मिलेगा। जी देखिए, जम्मू कश्मीर को जो आर्थिक पैकेज मिलेगा उसमें जाहिर तौर पर ये देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, जो कहकर केंद्र ने 370 हटाया था कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन आएगी, इंडस्ट्रीज आएगी, यहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेंगी, खासतौर पर केंद्र का फोकस उसमें ज़रूर रहेगा। साथ ही साथ जो FDIs और FPIs का जिक्र है उसका एक सेकेंड मकसद है, जो मैंने बताया था कि सेकेंड उद्देश्य है क्योंकि भारत की इकॉनमी इस समय उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है। हालांकि पूरा विश्व, हर देश इस समय आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। भारत की जो एक्सपेक्टेड GDP थी उसको भी 6.9 से घटाकर 6.2 पर लेकर आया गया है और RBI ने भी भारतीय सरकार को 1.76 लाख करोड़ का कर्ज दिया है। ऐसे में अब सरकार ने FDIs की जो शर्तें थी, FDIs की नॉर्म्स थी, उसमें भी रिलैक्सेशन करने की बात की गई है क्योंकि कई सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें लोकल सोर्सिंग की शर्तें थी कि मिनिमम 30% लोकल सोर्सिंग हो, उसमें सरकार उन नॉर्म्स में कटौती कर सकती है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स है वो खासकर कोल माइनिंग जैसे सेक्टर में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एविएशन के सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, जब यहाँ पर नॉर्म्स थोड़े घटाए जाएंगे तो जाहिर तौर पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आएगी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि FPIs यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कि भारत के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, भारत के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उनके जो एडिशनल सरचार्जेस थे उसमें भी कटौती की जा सकती है क्योंकि उसमें पहले जब बजट आया था बजट में एडिशनल सरचार्ज लगा दिया गया था, अब उस वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी कमी देखी गई थी। तो ये अब कहा जा रहा है कि शायद से एक ऑर्डिनेंस लाकर उस FPI में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के जो एक्स्ट्रा सरचार्ज था उसमें भी कटौती की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल भार्गव जुड़े थे, उनका साफ कहना है कि अगर FDI वहाँ पे आती है और छूट दी जाती है निवेश करने में तो रोजगार उत्पन्न होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई, शाम को जो 4 बजे कैबिनेट मीटिंग होनी है उससे भी काफ़ी उम्मीदें बनी हुई हैं। भाई, पाक ने कराची एयर स्पेस को फिर से बंद कर दिया है। 3 रूट उसने भारत के लिए बंद किए हैं। 31 अगस्त तक बंद किए एयर स्पेस के 3 रूट पाक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है।
नोटिस में रूट बंद करने की कोई वजह नहीं बताई गई। अब कराची के ऊपर 3 एयर रूट्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे भारत के विमान आने जाने के लिए। तो बड़ी खबर एक और, पाक ने कराची एयर स्पेस के 3 रूट बंद कर दिए हैं भारत के लिए। 31 अगस्त तक बंद किए गए हैं एयर स्पेस के 3 रूट। पाक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में बंद रूट करने की कोई वजह नहीं बताई गई है। अब कराची के ऊपर 3 एयर रूट्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे भारत से आने और जाने वाले विमान। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से है पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो बड़ी खबर में खबर पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान ने कराची एयर स्पेस के 3 रूट बंद कर दिए हैं। 31 अगस्त तक बंद किए गए एयर स्पेस के 3 रूट पाक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में रूट बंद करने की कोई वजह नहीं बताई गई। अब कराची के ऊपर 3 एयर रूट्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे भारत से आने जाने वाले विमान। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखला चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। कमर आगा सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान जो एयर स्पेस का रूट भारत के लिए बंद कर रहा है, वो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी इस वक्त डामाडोल है, बिल्कुल धरती में समा चुकी है, क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर नहीं आ रहा है? इमरान खान जितने भी कदम अब तक उठाए हैं सब में फेल हुए हैं, इससे भी उन्हीं का नुकसान ज्यादा होगा जी। और पिछली दफे भी इनका मिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान हुआ था, बल्कि डॉलर्स का। जी सर, जी सर। मगर असल में उनको पॉलिटिकल समझ बहुत कम है, वो एक के बाद एक गलत कदम उठा रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि उनकी इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है जैसा आपने बताया। दूसरी तरफ ये है कि उनके पास फॉरेन रिजर्व भी नहीं है जी सर, और रूट बंद करने से फॉरेन रिजर्व भी उनको मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलती है जहाजों से। फिर तीसरी चीज ये है कि पॉलिटिकल लेवल पे भी वो बिल्कुल फेल हो गए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, हर मसले में ना तो उन्हीं ने जो प्रॉमिस की थी कि लाखों मकान बनाएंगे, फिर उन्हीं ने कहा था गरीबों के लिए मकान बनेंगे, रोजी मिलेगी लोगों को, बड़े ख्वाब सुनहरे ख्वाब दिखाए थे पाकिस्तान के लोगों को, एक भी काम नहीं कर पाए। अब इससे किसका नुकसान होगा? सिर्फ पाकिस्तान का होगा, लोगों को परेशानी होगी, टाइम ज्यादा लगेगा बाहर जाने में, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे पाकिस्तानियों को भी, इसका भी नुकसान होगा। ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन जो ये कर रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, उसका इनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, इंडिया बड़ा मुल्क है जी जान, हम लोग वी कैन अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी गरीब जनता और मुसीबत में आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा जी जुड़े हुए थे, उनका साफ कहना है कि भारत बहुत बड़ा देश है और सच में हम बहुत बड़े देश हैं और हमारी इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान देश विदेश में घूमकर कटोरे में भीख मांग रहा है, उसके लिए वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है इस प्रकार के कदम उठाकर। तो आज बड़ी खबर में मेरे साथ बस इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।